फौज में एक कहावत है जिसे बोलते हैं माइंड ऑन परेड, मतलब कि जब आप परेड में होते हैं आपका पूरा ध्यान परेड में होना चाहिए, अगली कार्रवाई आप क्या करेंगे, अगली वर्ड ऑफ कमांड क्या देंगे। हमारी ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में होती है, जिसे एक बहुत ही टफ ट्रेनिंग एकेडमी माना जाता है। बट जब आप ट्रेनिंग एकेडमी में आते हैं, शुरू के कुछ दिन कठिन होते हैं, बिकॉज आपको अपने नॉर्मल लाइफ से फौजी लाइफ में अडाप्ट होना होता है, तो इट टेक्स अ वाइल। बट देन आपके कोर्समेट्स आपके साथ में होते हैं और आपके सीनियर्स होते हैं वहाँ पे, वो आपका ध्यान रखते हैं, हर तरह की कार्रवाई वहाँ पर होती है, और आप धीरे धीरे ग्रेजुअली यू बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, यू लर्न अ लॉट एंड यू ग्रो एज अ पर्सन। बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे ट्रेनिंग अकेडमी में बस एक चीज़ आपके दिमाग में होती है कि अगर मैं एक अच्छा आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ या मैं एक अच्छा आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, ये एक साल की ट्रेनिंग ही आपका फाउंडेशन होती है। मैं जब बहुत छोटी थी तो पापा जैसे वर्दी जब पहन रहे होते थे, तो मैं हमेशा उन्हें देख के मन में सोचा करती थी कि किसी दिन मैं भी इस वर्दी को कमाना ज़रूर पसंद करूंगी। फिर जैसे पापा ऑफिस जाते थे तो मैं और मेरा भाई पापा के साथ ऑफिस जाते थे, तो हमने बचपन से फौजी माहौल देखा है, तो आई ऑलवेज वॉन्टेड इट फॉर माई सेल्फ। कॉलेज के फाइनल ईयर में मेरा TCS में प्लेसमेंट हुआ था, बट मैं फौज के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड थी इसलिए मैंने फौज ज्वाइन की। इसके अलावा मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की और मैं कोर ऑफ सिग्नल्स में हूँ, तो ऑब्वियसली जिस स्ट्रीम में मैंने इंजीनियरिंग किया दैट हेल्प्स इन कोर ऑफ सिग्नल्स, बिकॉज कोर ऑफ सिग्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कॉम्बैट कम्युनिकेशन इन पीस टाइम एज वेल एज वॉर टाइम। तो मैं ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग और फौज बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जिस प्रकार से जो स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग परस्यू करते हैं, अगर वो इंजीनियर्स कोर ऑफ इंजीनियर्स में जाते हैं, तो इट इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प टू देम, बिकॉज दैट इज़ अगेन देयर इंजीनियरिंग फील्ड इज बैकिंग देम अप इन गिविंग देयर बेस्ट एंड सर्विंग द नेशन, बिकॉज दैट इज़ वॉट दे हैव स्टडी। कि माई जनरेशन इज़ वेरी प्रिविलेज्ड, बिकॉज मे बी कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जो हमारी मदर्स को नहीं मिली थी, बट वी आर ब्लेस्ड विद दोज अपॉर्चुनिटीज़ एंड वन ऑफ देम इज़ बिकमिंग एन आर्मी ऑफिसर। एंड आई थिंक व्हेन आई बिकेम एन आर्मी ऑफिसर, तो वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन वॉज माई मदर। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, एज अ वुमेन और एज अ मेल, इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, अगर आपको अपनी देश की सेना में काम करने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत ही प्राउड की बात होती है। मम्मा एक टीचर थी और डिस्पाइट वर्किंग होने के बावजूद उन्होंने मेरे और मेरे भाई का ध्यान रखा, एंड मेरा भाई फिर भी शांत था, मैं बहुत बदमाश थी बचपन में, तो आई एम ग्रेटफुल टू हर कि उन्होंने हमें इतने अच्छे से पाला, एंड ऑल दैट आई ओ इट टू हर। एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, हमें एक ही जीवन मिलता है, आप किसी भी चीज़ के बारे में पैशनेट है तो उसे परस्यू करिएगा, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट, एंड बी अ गुड पर्सन, लिफ्ट ईच अदर अप एंड मूव अहेड टुगेदर।